हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल यूके। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। चंपावत जिले के बनबसा गढ़ीकोट इंडो नेपाल सीमा पर खटीमा वन रेंज के चीनी कंपार्टमेंट 14 में ठंडे नाले के किनारे खेत के लगे तारबाड़ में सुबह के समय गुलदार फंस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने गुलदार के फंसे होने की सूचना खटीमा वन रेंज के रेंजर राजेंद्र मनराल को दी। वहीं रेंजर रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गुलदार को रेस्क्यू करने की कार्रवाई शुरू की। इसके साथ ही वन विभाग की टीम के साथ आई एक्सपर्ट टीम ने गुलदार को घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टैंकुलाइज किया और गुलदार को बेहोशी की हालत में सुरक्षित पिंजरे में डाल हल्द्वानी के रानी बाग में वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया। वहीं आए दिन गुलदार की दहशत से परेशान ग्रामीणों ने वन महकमे से गढ़ीकोट इलाके में वन चौकी खोले जाने की मांग की, ताकि वन्य जीवों से स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यहाँ पर हर आए दिन बिल्कुल इसकी दहशत है। आज भी जैसे आमा लोग हैं हमारे गांव के, तो अपने बच्चों से ये कहते हैं इधर बाहर मत जा, क्योंकि यहाँ जो है गुलजार उठा के ले जाएगा। कल भी यहाँ हमारे पड़ोस में थापा जी का कुत्ता जो है उठा के ले गया है, और यहाँ पर हमारे हनुमान राम जी है उनके कुत्ते को भी उठा के ले गया। तो हर दिन मतलब ऐसे हो सकता है, यही गुलजार आने वाले समय में आदमखोर भी बन सकता है। तो यहाँ पर एक बन चौकी का होना बहुत अति आवश्यक है। अगर बन चौकी होगी तो जल्दी सूचना मिलेगी और जल्दी फोर्स यहाँ पर पहुँच जाएगी। हमारे यहाँ जो चीनी कंपार्टमेंट जो 14 है और इसको जो नाला है यहाँ पर जहाँ पे हमने जो तेंदुए को रेस्क्यू किया है, ये ठंडा नाला कहते हैं, नेपाल बॉर्डर और भारत नेपाल सीमा की जगह है यहाँ पे। तो मेरे यहाँ के जो बीट अधिकारी हैं दीपक कुमार ने मेरे को सूचना दी कि सर ऐसा सा मामला है करके, तो मेरे द्वारा तुरंत जो खटीमा से अपने जो है रेस्क्यू टीम को लेकर के जो है यहाँ पे मौके घटनास्थल पर पहुँचे। हमारे द्वारा जो है लेपर्ड को जो है उसको रेस्क्यू कर लिया गया है और इसको सुरक्षित जो है हम लोग जो है रानीबाग जो है रेस्क्यू सेंटर में उपचार के हेतु जो है उसको भेजा जा रहा है। तो सर जी ये फंसा है, ये तार बाड़ में फंसा है या क्लच वायर में? नहीं, क्लच वायर तो ऐसा नहीं है, तार ये ऐसा है कि जो नाला किनारे पे जो गेहूं का खेत और लाई का खेत है, उस खेत के किनारे जो है तार की जो है बाड़ बनी हुई, बाड़ में जो है इसने शायद ये कुत्ता मारा है उधर से नेपाल सीमा से आते हुए, वही इसमें फंस गया है, जिसको हमने हमारे द्वारा इसको रेस्क्यू कर लिया गया है। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।